राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ गोवर्धन बनाने की वीडियो। ये मैंने आज गोवर्धन बनाए हैं, और आप सबने कैसे बनाए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूँ, तो इस बार भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, और मुझे ये गोवर्धन बनाने में करीबन 2 से 3 घंटे लगे थे। बन तो बहुत जल्दी गए थे, लेकिन डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे बनने के बाद। तो अगर आप भी बनाना ऐसा चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ना फ्लोर साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैं पहले चौक से पूरे अच्छे से ड्रॉ कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर जितना भी एरिया मुझे लेना था उसकी बाउंड्री का मैंने ड्रॉ कर लिया है, और फिर सबसे पहले मैं फेस बनाऊंगी बिहारी जी का, और मुकुट वगैरह सिर से शुरुआत करूंगी। इस तरह से मैं पूरा इनको तैयार कर लूंगी। ये देखिए मेरे तकरीबन पूरे तैयार हो गए हैं, बस इनके पैर रह गए हैं। और ऊपर मैं बना रही हूँ यहाँ पर गोवर्धन पर्वत। मैं गोवर्धन पर्वत इनके फिंगर पे बनाती हूँ पूरा, जैसे ये मेरे बिहारी जी हैं, उसके बाद फिर मैं उनके इस फिंगर वाली साइड पे, तो मैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की जो ड्राइंग है वो ड्रॉ कर रही हूँ। और वो ड्रॉ करने के बाद उसके बाद फिर मैंने जो पैर वाला एरिया रह गया था वो भी बना लिया है यहाँ पर। मुझे ना बस थोड़ा सा टाइम पैर में लगा था, बाकी बहुत जल्दी बन गए थे। ये देखिए ये मेरे पूरे बन गए हैं, और अब मैं इनको गोबर से बनाना शुरू करूँगी। पहले मैंने इनको चौक से ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद अब मैं गोबर से बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने शुरुआत वही शुरू से की है, क्योंकि फिर ऊपर से बनाते हुए आओ ना तो आसानी से बन जाता है। और मैंने ना पटले पे बैठ कर बनाया था, क्योंकि जब बहुत टाइम लग जाता है ना तो बैठे बैठे फिर पैरों में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से मैंने शुरुआत ऊपर से की। उसके बाद फिर मुकुट बनाऊंगी, चेहरा वगैरह सब कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और जिसको भी मेरे गोवर्धन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गोवर्धन बनाना शुरू करते हैं, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आप उसे ड्रॉ करके बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मैंने पहली बार जब बनाए थे तब मैंने डायरेक्ट बनाए थे तो थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन अब तो बना तो मैं बहुत जल्दी लेती हूँ। अब डेकोरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आपके ऊपर है, आप उसे कम डेकोरेट कर लीजिए या ज़्यादा डेकोरेट कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छे लगें। मुझे तो सब तरह से अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया था, क्योंकि ना कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले थे। ये देखिए ये बन गए हैं, और बस इनकी अब आउटलाइन बनाऊंगी, और जो अंदर बनाते हैं मतलब मट्ठा चलाने वाली ग्वालन वगैरह सब कुछ बनाते हैं ना, जो जो बनाते हैं अपने यहाँ जिसके यहाँ जैसा बनता है उस तरीके से, बस इसे कम्प्लीट करूँगी मैं, और उसके बाद इसमें करूँगी कलर्स। Thank you.
जी यहाँ पर ना मैंने सबको पहले आउटलाइन कर दी है, और आउटलाइन मैंने आटे से की है, कलर से नहीं की है। सारे में जब मेरी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इनको कलर्स से फिल करूँगी। और एक एक बार तो मेरी तकरीबन सारे में बाउंड्रीज वगैरह जितनी भी थी वो सब मैंने कंप्लीट कर दी हैं। बस ये लास्ट में जो कुत्ता रह गया था वो मैंने कंप्लीट किया है, और उसके बाद बस अब मैं सबसे पहले मैंने थोड़े से पेड़ वगैरह मंगा लिए थे इधर से, तो उनको लगाऊंगी गोवर्धन पर्वत में, और उसके बाद फिर फूल वगैरह आ जाएंगे तब फूल वगैरह लगाऊंगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको पेड़ वगैरह लगाऊंगी गोवर्धन पर्वत में, क्योंकि हम लोग मतलब कलर्स वगैरह तो कर देते हैं लेकिन जो रौनक पेड़ फूल और इनसे आती है ना वो रियल के उससे जिस जो आती है वो कलर्स से नहीं आ सकती, तो इसलिए मैंने थोड़े से पेड़ वगैरह लगाए हैं। और यहाँ पर जब मतलब जो कुछ भी मिला पास में वो मैंने लगा दिए, और उसके बाद फिर इसमें थोड़े बहुत कलर्स वगैरह भी डालूंगी। तो बाकी मैं पहले सबसे पहले फेस कंप्लीट करूंगी बिहारी जी का और मुकुट वगैरह, उसके बाद फिर पूरे उसमें कलर वगैरह करूंगी। और यहाँ पर मैंने सब कुछ बनाया है, ये देख सकते हैं आप, चूल्हा बनाया है, उस पर एक रोटी बना रही हैं और रोटियाँ भी रखी हुई हैं उनके तवे पर, और आटा भी है, सब कुछ मतलब बहुत पूरी कोशिश करी है कि अच्छा बन जाए। और बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट कर कैसा बना है। देख सकते हैं आप, पूरे गोवर्धन बनकर तैयार हो गए हैं, और कलर वगैरह मैंने सब कुछ इनमें कर दिया है, और जितने फ्लावर्स वगैरह मिल गए थे वो सब भी लगा दिए हैं मैंने। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो का एंड करूँगी, और ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भैया दौज, बाय बाय, राधे राधे सभी को।